दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा कपूर के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। 2021 के शुरुआती महीने बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी कर फैंस और इंडस्ट्री को बड़ी खुशखबरी दी है। एक्टर की शादी के साथ ही बॉलीवुड की शादी सीजन की भी शुरुआत हो गई है। इसी बीच वरुण धवन की एक और स्टार और ब्यूटीफुल एक्टर श्रद्धा कपूर की शादी भी चर्चा तेज हो गई है। खबरों की माने तो एक्टर अगले साल तक अपने फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठ के साथ शादी के बंधन में बन सकती हैं। श्रद्धा और रोहन की शादी की खबरों की ने तब तुल पकड़ा जब एक्ट्रेस वरुण धवन ने खुद इसका इशारा किया। दरअसल इंस्टा अकाउंट पर रोहन ने वरुण और नताशा की फोटो स्टेटस पर शेयर करते हुए कुछ लिखा कि वरुण धवन नताशा की शादी बहुत बधाई हो, भी तुम बहुत खुशनसीब हो लड़के हो। इसी लिटिस का जवाब देते हुए वरुण धवन ने रोहन से पूछ लिया कि अब क्या तुम भी तैयार हो, आशा है अगला नवंबर तुम्हारा हो। हालांकि श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठ ने आज तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन खबरों की माने तो दोनों 2018 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं से भी कहा जा रहा है कि इस रिश्ते से श्रद्धा के पिता ऋषि कपूर काफ़ी खुश हैं। शादी के बारे में श्रद्धा की तरफ से अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाल ही में लेडी टेबलाइन से बातचीत में जब ऋषि कपूर से पूछा गया कि उनका अपनी बेटी की शादी के बारे में क्या ख्याल है, तो इस पर जवाब देते हुए एक्टर ने कहा, हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे आदमी से शादी करे और उसका परिवार अच्छा हो। अभी तो श्रद्धा अपने कैरियर में बिजी हैं, लेकिन जब भी वे अपनी शादी के प्लान के बारे में बताएगी तो मैं उसकी शादी करा दूँगा। अगर उसे कोई लड़का पसंद होगा तो हम उसके साथ ऐतराज़ नहीं करेंगे।